आगे बढ़ते हैं। बीती जनवरी से शिमला में पानी की राशनिंग चल रही है और अब पानी की समस्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर नगर निगम शिमला पर निशाना साधा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पानी की सप्लाई को बहाल करने की मांग उठाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम के दफ्तर के बाहर आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिमला के सौंदर्यकरण को लेकर करोड़ों रुपए की राशि जारी कर रही है, लेकिन इस राशि का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पहली बारी ये काला इतिहास बन गया है कि जो कि लगातार राशनिंग चल रही है, लोगों को उसके 5वें दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारा नगर निगम से मांग है भारतीय जनता पार्टी की, इस समस्या का शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल नगर निगम को आज चेता रहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पानी की समस्या का रेगुलर नहीं किया गया तो शिमला मंडल जो नगर निगम के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। रियो ओलंपिक में देश की शान बढ़ाने के बाद अब भारत की बेटियों ने वियतनाम में आयोजित 6ठी एशियन योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। ओवरऑल विजेता रही भारतीय टीम की 4 महिला खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 13 मेडल जीते हैं। इन खिलाड़ियों की उपलब्धि पर सिरसा जिला प्रशासन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, कोरिया और भारत सहित 13 देशों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें इन 4 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया।